आप सभी के लिए खुशखबरी है, सेकेंड इंटर लेवल की न्यू वैकेंसी आ चुकी है BSSC की तरफ से, बिहार कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से। हमारे पास लिंक है, यहाँ पर व्हाट्सएप पर देख रहे हैं। अब इसमें लिंक को खोल रहा हूँ और लिंक को यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आपको लिंक है, ये क्लिक करता हूँ और चलता हूँ नोटिस बोर्ड पर। यह है BSSC का लिंक, मैंने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद ये इंटरफेस आ रहा है, देख रहे हैं, लिखा है योर कनेक्शन इज नॉट प्राइवेट, और इस प्रकार से पेज आ रहा है। देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, यहाँ लिखा बैक टू सेफ्टी, इस पर नहीं करना है। यहाँ लिखा हुआ एडवांस्ड है ना, तो एडवांस्ड पर क्लिक कीजिए। एडवांस पर मैंने क्लिक किया, अब एडवांस पर क्लिक करने के बाद यहाँ लिखा हुआ है बैक टू सेफ्टी, इस पर भी नहीं करना है, हाइड एडवांस पर भी नहीं करना है। यहाँ जो लिखा हुआ है प्रोसीड टू BSSC बिहार, ये जो लिखा हुआ है इस पर आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। अनसेफ भले लिखा हुआ है लेकिन क्लिक आप इस अनसेफ वाले पर ही करेंगे, प्रोसीड टू BSSC.bihar.gov.in अनसेफ, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको ये खुल जाएगा नोटिस बोर्ड, आप देख सकते हैं खुल गया है, ठीक है। और इस नोटिस बोर्ड में जो पहला वाला है आज के तारीख में 19 की तारीख में, उसको आप पढ़िए क्या लिखा हुआ है। इंपॉर्टेंट नोटिस एडवर्टीजमेंट नंबर 2/23 सेकेंड इंटर लेवल कम्बाइंड कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो अब क्या करना है हमें, इस पर क्लिक कर देना है, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ और इस पर क्लिक कर दिया मैंने, ठीक है। क्लिक करने के बाद क्या हुआ, ये आप देख सकते हैं कि PDF डाउनलोड चुका है। खोलने के लिए यहाँ पर बता रहे हैं किस में खोलें, तो ड्राइव में मैं खोल रहा हूँ और ये देखिए आपका नोटिस 19/9/2023 का है। यहाँ पर ज्ञापांक आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप डेट देख सकते हैं, चलिए पढ़ लीजिए। बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सुयोग अभ्यर्थियों के लिए विज्ञापन संख्या 2/23 इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन आयोग के वेबसाइट पर प्रदर्शित कर दिया गया। पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा, जिनका उम्र बढ़ गया है उनके लिए भी इसमें है छूट है, व्यवस्था है, देख लीजिएगा, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन आयोग के वेबसाइट पर 27 सितंबर से 11 तक, यानी कि 11 नवंबर तक की अवधि में समर्पित किया जा सकता है। मतलब काफ़ी समय मिला है आपको फॉर्म भरने का। उसके बाद ये सब तो खैर आप देख ही रहे हैं जो प्रमाण पत्र के बारे में लिखा हुआ है। अब इसमें यहाँ सीधे आते हैं, संबंधी प्रमाण पत्र आदि का संकलन ऑनलाइन आवेदन भरने के पूर्व कर लें। मतलब आपको जो ये सब प्रमाण पत्र चाहिए, ये सारे प्रमाण पत्र आवेदन भरने के पूर्व ही रख लें। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने के दौरान अपने नाम, पिता का नाम, लिंग, जन्मतिथि इत्यादि विवरणी प्रविष्टि करते समय पूर्ण सतर्कता बरतेंगे, क्योंकि किसी परिस्थिति में ऑनलाइन आवेदन पत्र पर पत्र भरकर समर्पित कर देने के पश्चात ऑनलाइन प्रपत्र में की गई प्रविष्टियों में सुधार संभव नहीं है। मतलब सुधार का मौका नहीं मिलने वाला आपको, और वेबसाइट को देखते रहिए। तो ये आपने लेटर पढ़ लिया ना, अब ये डेट है 19/9 का। इस प्रकार से अब मैं क्या करता हूँ, इसे बैक चलता हूँ, ठीक है, बैक चलता हूँ। यहाँ पर लिखा है क्लिक हेयर, यहाँ देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू व्यू डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट। इसमें तो सिर्फ नोटिस था ना, अब मैं इस पर सेकेंड वाले पर क्लिक करता हूँ। सेकेंड वाला क्लिक मैंने किया है और डाउनलोड होना शुरू हो गया है। काफ़ी समय लग रहा है लेकिन चिंता की बात नहीं है, नेट के स्लो होने से कभी कभी ऐसा हो जाता है या फिर ज़्यादा होगा पेज। देखो मैं कितना टाइम लग रहा है डाउनलोड होने में, अब लगभग हो गया डाउनलोड। चलिए जो डाउनलोड हो गया, डाउनलोड होकर कहाँ गया है ये मुझे देखना पड़ेगा। यहाँ पर जाएगा, चलिए ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं डाउनलोड होकर आया है,
यही आपका है। इसमें विज्ञापन संख्या आप देख रहे हैं 2/23 है। अब सारे जो पोस्ट हैं इसमें आप देखिए, निम्न वर्गीय क्लर्क यहाँ पोस्ट के नाम लिखे हैं, डाउनलोड कर लीजिएगा या फिर हमसे मांग लीजिएगा व्हाट्सएप पर, ठीक है। ऐसा पोस्ट वगैरह दिया हुआ है, इसका मैं डिटेल नहीं बताऊंगा, ये आप खुद ही देख सकते हैं। अब मैं सीधे चलता हूँ एज वाला फैक्टर पर। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तो खैर आप जान ही रहे कि इंटर स्तरीय है, एज वाले मुद्दे पर मैं लेके चलता हूँ आप लोग को। बस बस आने ही वाला है, पेशेंस रखिए। देखिए आ गया, अब इसको पढ़ लीजिए। अब देखिए मैंने बीपीएससी में एज और चांस पर काम किया, तो बार बार मैं एज पर बनाता हूँ ताकि जिनका उम्र ज़्यादा हो गया है उनके लिए भी आशा की किरण में दिखा सकूँ, ठीक है। उम्र सीमा, अभ्यर्थी की उम्र सीमा की गणना दिनांक 1/8/2023 मतलब इसी साल 1 अगस्त से की जाएगी, परंतु वैसे अभ्यर्थी, यहाँ देखिए, परंतु वैसे अभ्यर्थी जो दिनांक 1/8/2015 को भी 15 को सरकार द्वारा, मतलब ये कट ऑफ तो है, लेकिन वैसे अभ्यर्थी जो 1/8/2015 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा, यहाँ अधिकतम लिखा हुआ है, निर्धारित करते हों, उक्त तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारण करते हों, वे भी उम्र सीमा के आधार पर समान प्रशासन विभाग पत्रांक 212 दिनांक 23/1/2006 के आलोक में इस परीक्षा के लिए पात्र होंगे। ये असल में एक लेटर निकाला गया था, असल केस किए थे हम लोग, तो फिर एक लेटर निकला था, हम लोग मतलब हमारे ग्रुप के लोग जो इसमें सक्रिय रहते हैं, सरकार ने एक लेटर निकाला कि हाँ उम्र छूट देना चाहिए। क्यों, ये लेटर का संबंध किससे है, जब हर साल वैकेंसी नहीं आती है, प्रत्येक साल वैकेंसी नहीं आती है तो इस आधार पर ये छूट मिलता है। तो अगर आपकी उम्र जो है 1/8/2015 से अगर घटाएंगे आप, और अगर घटाने के बाद ये मतलब अधिकतम 37 से एक दिन भी कम रहा तो आप जो है एलिजिबल हैं पुरुष के लिए, ठीक है, जो युवर के पुरुष हैं मतलब अनरिजर्व के पुरुष हैं। महिला अगर है अनरिजर्व के तो 40 वर्ष एक भी दिन कम रहा तो आपका इसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। पिछड़ा वर्ग हो, अत्यंत पिछड़ा वर्ग हो, पुरुष चाहे महिला हो, 40 वर्ष से अभी एक दिन भी कम है तो फॉर्म भर सकते हैं। कब, 2001/8/2015 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर अनुसूचित जनजाति के या एसटीएससी के महिला पुरुष हैं तो अगर 42 वर्ष से एक दिन भी कम है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो ये अब मैंने आपको दिखा दिया कि सही में एज में रिलैक्सेशन इसमें दिया है, और 1/8/2015 तक काफ़ी लोग इसमें आ जाएंगे, बहुत लोग इसमें आ जाएंगे, तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। बाकी जो भी इसमें बातें लिखी गई हैं, महत्वपूर्ण जो निर्देश हैं, वो आप पढ़ सकते हैं। उदाहरण के लिए जो छूट मिलता है सरकारी कर्मचारियों को, उसकी बातें भी हैं, फिर से दिव्यांगों को छूट मिलता है उनकी बातें भी है, तो खैर आप लोग पढ़ लीजिएगा, नहीं तो लंबा वीडियो बन जाएगा। विशेष दिक्कत होने पर आप कमेंट कीजिएगा तो मैं आपके फोकस्ड में वीडियो को बना दूंगा। सभी कुछ यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्वालिफाइंग मार्क्स से लेकर सिलेबस से लेकर सब कुछ लिखा हुआ है। ऑनलाइन आवेदन का जो है प्रारंभ हुआ है 29 सितंबर से प्रारंभ होगा, मतलब होगा, हुआ नहीं है, और 11 नवंबर को समाप्त होगा। इस प्रकार से आप सारा कुछ पढ़ लीजिएगा। अब मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ, समस्या आने पर बात कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।